इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 14। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 14। आशा का राज्य। निदान अबियाह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आशा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा और आशा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने तो पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नाम मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को मान ले। और उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। और उसने यहूदा में गढ़वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा। और उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाए और उनके चारों ओर शहरपनाह गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाए। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और कृतार्थ किया। फिर आशा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 300,000 पुरुष और बिन्यामिनी में से फरी रखने वाले और धनुर्धारी 280,000, ये सब शूरवीर थे। और उनके विरुद्ध 10,00,000 पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आशा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नाम तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दोहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशियों को आशा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए और आशा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सा लूट ले गए और उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूटकर यरूशलेम को लौटे।